जोधपुर का रुख कर रहे हैं। जोधपुर में अनीता हत्याकांड मामला और मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की फोटो सामने आए। गुलामुद्दीन इसी फोटो से पकड़ में आया। सीसीटीवी में देखता नजर आया गुलामुद्दीन और मुंबई से उसकी गिरफ्तारी हुई। अब उसे जोधपुर लाया जा रहा है और प्रारंभिक पूछताछ में गुलामुद्दीन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये तस्वीर जिसकी वजह से गुलामुद्दीन जो है वो पकड़ा गया, इसी तस्वीर की वजह से, इसी फोटो की वजह से उसकी पहचान हुई और मुंबई से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार 9वें दिन जाकर ये गिरफ्तारी हुई है। 9 दिनों से लगातार जो पुलिस है जोधपुर की वो इसकी तलाश कर रही थी बेसब्री के साथ। खुद पुलिस के अधिकारी लगातार इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि एक महिला की निर्मम हत्या की गई और शव के 6 टुकड़े कर जमीन में दबा दिए गए थे और मुख्य आरोपी के साथ साथ उसकी पत्नी भी इस पूरे वारदात में शामिल थे। पत्नी गिरफ्तार हो चुकी थी जिससे लगातार पूछताछ की जा रही थी और कई नाम सामने आए थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। लेकिन ये जो मुख्य आरोपी था जो कि इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो चेहरा जिसने ये निर्मम हत्या को अंजाम दिया था। लेकिन कई सवाल जो उठ रहे थे कि आखिरकार ये हत्या की किस लिए गई थी, आखिर क्या कारण रहे, तो उन तमाम सवालों के जवाब अब मिल पाएंगे जब गुलामुद्दीन से पुलिस पूछताछ करेगी। हालांकि प्रारंभिक पूछताछ में बताया ये जा रहा है कि गुलामुद्दीन ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, लेकिन अब तक जो तमाम सवाल उठ रहे थे उन सवालों का जवाब पता चल पाएगा जब गुलामुद्दीन से गहनता से पूछताछ होगी।